तो जैसा कि अभी सुबह का टाइम है और हम निकल चुके हैं अपने लोकेशन से पटना शीतला माता मंदिर के लिए। तो ठीक है, चलिए बातें करते रास्ते में। तो आज हमारे भाई सन्नी जो ड्राइव कर रहे हैं, हमारे भाई सन्नी हैं और आज इन्हीं के साथ हम जाने वाले हैं पटना शीतला माता मंदिर। देख सकते हैं आप, रास्ते कुछ इस तरीके के हैं। हमारे यहाँ से जो शीतला माता मंदिर का डिस्टेंस है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास है और रास्ते देख सकते हैं काफ़ी उल्टे खबर वाले रास्ते हो चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं। और ये जो मार्केट प्लेस देख रहे हैं, ये पटना का रामकृष्णा नगर है जो कि शाम के टाइम में आपको काफ़ी जाम भरा और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ मेट्रो ही मेट्रो मेट्रो ही मेट्रो। पटना मेट्रो का काफ़ी तेज़ी से पटना में काम चल रहा है, तो मेरे हिसाब से लगता है 2026 जल्द ही पटना मेट्रो आ जाएगा। और ये जो लोकेशन है ये पटना हनुमान नगर का है और ये हाईवे का है जो कि स्टेटिंग नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे। और ये जो इलाका है पटना का भूतनाथ इलाका है, अगर आप यहाँ से बाएं जाएंगे पटना भूतनाथ रोड में चले जाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ से अगर बाएं जाते तो मुजफ्फरपुर की ओर निकल जाएंगे, अगर यहाँ से आप सीधे की ओर बढ़ते हैं तो बख्तियारपुर होते हैं और इधर से बिहार से वगैरह आप जा सकते हैं। और देख सकते हैं पटना में काफ़ी जगह मेट्रो का पुल बन के तैयार हो चुका है और ये पटना का 0 माइल का लोकेशन है और इसे सीधे आप जाइएगा तो गांधी सेतु मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहाड़ी बोला जाता है, यहाँ पे आप पहाड़ी के नाम से जान सकते हैं। दाहिने हाथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये बस स्टैंड की ओर रास्ता चला जाता है जो कि पटना में नया बैरिया में बस स्टैंड खुला है। और देख सकते हैं यहाँ से अगर सीधे जाते हैं तो पटना सिटी बख्तियारपुर गुरुद्वारा साहिब, और इधर से भी आप जा सकते हैं पटना साहिब गुरुद्वारा साहिब, और इधर से तो हम जा रहे हैं पटना मतलब पटना शीतला माता मंदिर। देख सकते हैं वहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है गुरुद्वारा साहिब जा सकते हैं और शीतला माता मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड पे धूल। तो मैं आप लोगों को पहले ऊपर से दिखा देता हूँ कि कदम कुआं का शीतला माता मंदिर का लोकेशन कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं आप लोग। अगर उधर आप जाते हैं तो सीधे गांधी सेतु चले जाएंगे और वो जो पुल है वो कुम्हरार से होते हुए सीधे डायरेक्ट शीतला माता मंदिर के ऊपर ओवरब्रिज पे मिल जाता है। जहाँ पे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ वही पुल के ठीक नीचे में शीतला माता का मंदिर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन से बख्तियारपुर होते कहीं जाएगी, मेरे को पता नहीं ये कौन सी ट्रेन है बट मैंने आपको दिखा दिया है। जैसा कि ये जो भीड़ भाड़ वाला इलाका देख रहे हैं ये शीतला माता मंदिर के ठीक गेट के पहले ही आपको मिल जाएगा, पूजा की सारी सामग्रियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे आप। और देख सकते हैं वो शीतला माता मंदिर का गेट है, मेन द्वार है, तो यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये देख सकते हैं इस तरीके का द्वार है, प्रवेश द्वार। और चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के सामने काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा दुकान है। सारे यहाँ पे हर कुछ आपको सामान मिल जाएंगे मंदिर के गेट के बाहर। और देख सकते हैं गेट के अंदर से माता शीतला मंदिर का दृश्य कुछ इस तरीके का है। और जहाँ तक मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे शादियाँ भी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा जोड़े यहाँ पे आए हुए थे। और जबकि देख सकते हैं आसपास में कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये माता शीतला मंदिर के खासियत के बारे में टेक्स्ट के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह शीतला माता मंदिर का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट डेली लाइव ब्लॉग डे के साथ।